आज हम बात करेंगे गूगल में बिज़नेस के फ्री वेबसाइट को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं और इस वेबसाइट को कैसे आप अपने बिजनेस के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इसे काफ़ी अच्छा आप लुक दे सकते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड बेसिकली ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप कोई भी पेड वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं उसके जैसा इसको आप लुक तो नहीं दे सकते लेकिन हम फिर भी देखेंगे कि, कि इस फ्री वेबसाइट को यूज़ करके कैसे आप बिज़नेस प्रोफेशनल लुक इसे दे सकते हैं और अपने लोकल बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को यहाँ ज्यादा फील कर सकते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किए थे कि अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट नहीं है तो कोई भी वेबसाइट नहीं होने से अच्छा कि आप गूगल के फ्री वेबसाइट को ज़रूर यूज़ कीजिए अगर आपके पास वेबसाइट डिज़ाइन करने का बजट नहीं है अगर आप लोकल बिज़नेस रन कर रहे हैं तो जैसा कि हमने बात किया था पिछले वीडियो में कि क्यों किसी कि भी लोकल बिजनेस के लिए वेबसाइट बहुत ज़रूरी है तो अगर आपके पास बजट नहीं है तो गूगल के फ्री वेबसाइट को आप यूज़ करके अपने लोकल बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रमोट कर सकते हैं अगर आप गूगल के फ्री वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली है अगर इस वेबसाइट को यूज़ करने से आपका लोकल रैंकिंग भी इम्प्रूव हो जाता है और आपका लोकल बिजनेस का ऐसी इम्प्रूव हो जाता है तो इसलिए आप गूगल के फ्री वेबसाइट को ज़रूर यूज़ कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन कुछ अगर आपको अच्छा मिलता है तो क्यों ना आप गूगल के फ्री वेबसाइट को भी ख़राब है लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो ये तो हमने बात कर लिया कि क्यों आपको गूगल की फ्री वेबसाइट को यूज करना चाहिए अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो के साथ नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे हम चलते हैं और देखते हैं कैसे आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं ना गूगल में बिजनेस लिस्टिंग ओपन कर लेंगे गूगल डॉट कॉम बिजनेस ओके देन एंटर कर लेंगे अब यहाँ पे देख रहे हैं गूगल में बिज़नेस लिस्टिंग ओपन हो गया है तो जिस भी गूगल में बिज़नेस लिस्टिंग में आपको वेबसाइट क्रिएट करना आप उसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे बहुत सारा मेन्यू शो कर रहा है होम पोस्ट इन्फो इनसाइट तो स्क्रॉल करके आप जैसे ही नीचे आएंगे सर्विस के नीचे आपको यहाँ वेबसाइट होगा दिखाई देगा तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ लोडिंग लेगा लोडिंग लेने के बाद आपका गूगल में बिज़नेस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो वेबसाइट क्रिएट करते हैं कि हमारा वेबसाइट यहाँ पे गूगल के जो भी हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में दे रखा हुआ था उसको कलेक्ट करके यहाँ हमारा एक वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर दिया जाता है अब हम देखते हैं कैसे हम इसको एडिट और कस्टमाइज कर सकते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आप जो पेंसिल बटन शो कर रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आप चाहते हैं कि अपना गूगल में बिजनेस लिस्टिंग का वेबसाइट यहाँ पे यूआरएल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूआरएल को चेंज कर सकते हैं हमारे डिजिटल शोभा तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं आपको जो भी समझ में आए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी डोमेन गूगल की तरफ से फ्री मिलता है वो डॉट बिजनेस डॉट साइट ओके पटना करके आप इसको चेंज कर सकते हैं हमारा पहले था डिजिटल शोभा अब पटना कर दिया हमने तो ये चेंज हो गया आपको ओ आर जी में डॉट कॉम में कोई भी डोमेन लेना है तो आपको इसको परचेज़ करना होगा तो यहाँ पे प्राइस शो कर रहा है गूगल डोमेन के थ्रू ये आप परचेज कर पाएंगे तो मैंने पहले ही बात की थी अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप इस वेबसाइट को यूज़ करें मैं उनके लिए बता रही हूँ कि कैसे बेनिफिशियल ये गूगल माई बिज़नेस का वेबसाइट है आपके बिज़नेस के लिए यहाँ पे थीम का ऑप्शन शो कर रहा है तो थीम के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत सारा हमें थीम दे रहा है थीम के कुछ अलग अलग कलर्स और अलग अलग फॉन्ट के साथ हमें थीम प्रोवाइड कर रहा है तो बेसिकली जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि इसका कलर और फॉन्ट चेंज हो रहा है अब इस पर भी जैसे हमने क्लिक किया कलर और फॉन्ट वगैरह चेंज हो रहे हैं ठीक है चीकिया? आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट आपको 10 कुछ ऐसे कस्टमाइजेशन थीम मिल जाते हैं जिसको कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से कि आपको कलर और फॉन्ट कौन सा अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये टिक मार्क यहाँ पे शो कर है जिस भी आप कस थीम को चूज़ करेंगे वो इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा और इस टिक मार्क पर आप टिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा ठीक है अब एडिट पर क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे प्राइमरी बटन शो कर रहा है तो प्राइमरी बटन कौन सा हमारा ये गेट कोट यहाँ पे जैसे हमने प्राइमरी बटन को सिलेक्ट किया यहाँ पे मल्टीपल हमें प्राइमरी बटन ऑप्शन शो कर रहे हैं यहाँ पे छः सात आपको प्राइमरी बटन मिल जाते हैं तो जिसको भी आप चाहें सेलेक्ट करके चूज़ कर सकते हैं तो हम इसी को रहने देते हैं आपके अपने बिजनेस के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं अपना प्राइमरी बटन जो कि आपका प्राइमरी बटन हेडर के नीचे आपका टॉप में शो करता है तो अब हम देख लेते हैं यहाँ नीचे आते हैं या हेडलाइन दे रहा है तो ये हेडलाइन बेसिकली डिजिटल जो शोभा लिखा हुआ है तो इसको आप इसमें चेंज कर सकते हैं जैसे कि पटना ओके तो मैं आपको ये बता दूं कि हेडलाइन में आप मैक्सिमम 80 कैरेक्टर लिख सकते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 80 कैरेक्टर में अपने हेडलाइन को शो कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो हेडलाइन है जो भी हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसमें एच वन जो टैग होता है वो बेसिकली यही काम करता है कि हमारा हेडलाइन यहाँ पे। तो इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पे कीवर्ड स्टफ़िंग नहीं करें और इसको बहुत अच्छे से आप ऑप्टिमाइज़ करके हेडलाइन को लिखें जिससे कि आप यहाँ पर कीवर्ड अगर ऐड करते हैं तो आपका बिज़नेस कीवर्ड की वजह से भी सर्च रैंकिंग में आएगा बस आपको हेडलाइन इस तरह से लिखना है कि इस हेडलाइन की कुछ वर्डिंग से आपको पता चल जाए कि आपका बिजनेस किस चीज़ से रिलेटेड है यहाँ पे नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है तो ये डिस्क्रिप्शन बेसिकली यही वाला डिस्क्रिप्शन है ठीक है तो आप डिस्क्रिप्शन में 140 फोर्टी लिख सकते हैं तो यहाँ पे आपको 140 कैरेक्टर मिलता है तो यहाँ पे बेसिकली आप अपने बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को मेंशन कर सकते हैं कि आपका बिजनेस किस चीज़ से रिलेटेड है और क्या आप यहाँ पे करते हैं जो कि आपके कस्टमर को यहाँ पे वेबसाइट पे शो करेगा नीचे में हम यहाँ पे समरी हेडर शो कर रहा है तो समरी हेडर में हम देखेंगे समरी हेडर हमें कहाँ शो कर रहा है नीचे स्क्रॉल करके जैसे गए टेस्टिमोनियल होगा उसके नीचे में आपको यहाँ पे समरी हेडर शो कर रहा है तो समरी हेडर में आपको 40 कैरेक्टर मिल जाते हैं कि आप अपने बिजनेस के बारे में एक लिखे, एक समरी लिखें लिखें डिटेल अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि समरी बॉडी के बारे में समरी बॉडी में यहाँ पे आपको अनलिमिटेड कैरेक्टर लिखने के लिए मिल जाते हैं और क्या सर्विसेज करते हैं क्या आपका प्रोडक्ट है किस चीज से रिलेटेड है आप यहाँ पे मैंशन कर सकते हैं यहाँ पे लिंक भी आप यूज़ कर सकते हैं आप कौन सा लिंक देना चाहते हैं ओके okay? तो यहाँ पे जैसे हमने लिंक दे दिया अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे इसको बोल्ड करना तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं यहाँ पे देख रहे हैं आप इटैलिक में करना चाहते हैं आप इटैलिक कर सकते हैं आप अंडरलाइन देना चाहते हैं आप अंडरलाइन भी दे सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो आप यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बुलेट पॉइंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको देना है उस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे आप क्या काम करते हैं और आप अपने यहाँ प्रोडक्ट को और सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पे एक समरी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है और किस तरीके का है और क्या उसमें अच्छा क्वालिटी है या फिर क्या ऐसा कुछ आप दूसरों से अलग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते तो इसको हम फिर से टिक कर देंगे और ये देखिए यहाँ पे शेव हो गया अब हम बातें हैं नीचे तो आप यहाँ पर फोटो एड कर सकते अपने बिज़नेस से रिलेटेड अब हम यहाँ कुछ फ़ोटो ले लेते हैं आप एक साथ सेलेक्ट करके भी यहाँ पे फोटो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे हमारे जो गैलरी यहाँ पे शो कर रहा है आपका जो समरी हेडर और समरी डिस्क्रिप्शन के नीचे में आपको गैलरी शो कर रहा है तो यहाँ पे आप जिस भी फॉर्मेट में आपका फ़ोटो है ये बेसिकली मैंने अपना जो थंबनेल था उसको ये अपलोड कर दिया है लेकिन आप अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड फ़ोटो का यहाँ अपलोड करें और जिस भी साइज़ में आप क्लिक करें उसी साइज़ में आप फोटो को यहाँ अपलोड करें यहाँ पे आप फ़ोटो से रिलेटेड फ़ोटो क्वालिटी का बहुत ही ध्यान रखें कि आपका जो भी फोटो क्वालिटी होना चाहिए वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए और यहाँ पे जो आपको गैलरी में फ़ोटो शो करते हैं वो शोकेस होते हैं आपको नौ फोटो यहाँ पे आप शोकेस कर सकते हैं यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है सेटिंग्स के बारे में भी यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है कि आप अपडेट करना चाहते हैं यहाँ पे पब्लिसिंग करना चाहते हैं अभी देखिए हमारा गूगल में बिज़नेस ये वेरीफाई नहीं हुआ है तो इस यहाँ पे वेरीफ़ाई का ऑप्शन दे रहा है कि आप अगर लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज यहाँ पे सेटिंग में नीचे आके चेंज कर सकते हैं तो बेसिकली हमें लैंग्वेज अभी चेंज नहीं करना लेकिन आपको लगता है कि आपका लैंग्वेज दूसरा है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं तो बेसिकली हमारी ये लिस्टिंग अभी वेरीफाई नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है लेकिन आपको यहाँ पे पब्लिस का ऑप्शन आएगा अगर आप वेबसाइट देखना चाहते हैं तो आप इस पर भी क्लिक करके वेबसाइट को देख सकते हैं कि कैसा शो कर रहा है आपका वेबसाइट तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में और यहाँ भी देखिए ये जो है ये आपका आप हेडर फ़ोटो है तो आप हेडर फोटो को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपना हेडर फोटो अपलोड करें तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी आप हेडर फोटो अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके फ़ोटो में कोई भी ऐसा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए जो कि काफ़ी यहाँ पर ब्लर हो जाए तो आप ध्यान रखें कि जो भी आप फोटो हेडर फ़ोटो में अपलोड करें वो बिना कोई टेक्स्ट के होना चाहिए अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी पोस्ट पब्लिश किए हैं उसको यहाँ पे शो करेगा और जो हमारा पोस्ट भी शोकेस होता है वो नाइन पोस्ट शोकेस करता है जैसे कि हमने गैलरी के लिए भी बात किया था कि नौ हमें फोटो को ये शोकेस करता है यहाँ पे और यहाँ पे जो टेस्टमोनियल है जो कि गूगल पे हमें हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी रिव्यू देता है तो यहाँ पर वो शो करता है अभी हमारा बिजनेस वेरीफाई नहीं हुआ है तो इसलिए यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा और यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कि गूगल गूगल के द्वारा जो भी हमने मैप सेट किया हुआ था ये यह, यहाँ यहाँ पर वो ले लिया हुआ है और यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन की कॉल नंबर आपका दे रहा है कॉलिंग नंबर यहाँ पे डायरेक्शन आपका एड्रेस दे रहा है या आपका बिजनेस आवर दे रहा है तो बेसिकली यहाँ पे ये यह सारे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गए तो बेसिकली जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है क्या क्या गूगल की तरफ से यहाँ पर होने चाहिए आपके वेबसाइट में तो गूगल यहाँ मैंशन कर देता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के भी आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे थैंक यू सो मच